एवरीवन, मैं महेंद्र पांडे आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल केसीआई टैली स्पेशलिस्ट में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। गाइस, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हमारे द्वारा आप लोगों को कंप्यूटर के फ्री कोर्सेज प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जिसमें मैं एमएस ऑफिस के अंतर्गत एमएस वर्ड की क्लासेस आप लोगों को दे रहा हूं, जिसमें लास्ट वीडियो जो मेरी थी वो इंसर्ट मेन्यू के अंतर्गत एलुस्ट्रेशन टैब के मैंने कुछ ऑप्शंस को बताया था, जिसमें मैंने पिक्चर एंड ऑनलाइन पिक्चर्स हम कैसे क्रिएट करते हैं, उसको कम्प्लीटली हम फॉर्मेट कैसे करते हैं, वो सब कुछ मैंने उसमें बताया था। तो जिसने मेरी पिछली वीडियो ना देखी वो जरूर जा करके देख ले। उसके आगे की क्लासेस मैं आज आपको देने वाला हूँ। उसने भी लास्ट क्लास ना देखी है वो देख लेंगे तो आपको आगे के कंटेंट अच्छे से समझ में आ जाएंगे, आसानी से आप उसको समझ पाएंगे। सो गाइज, आज की वीडियो मैं स्टार्ट करूँ, इससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के पास, जिससे उन्हें भी ये फ्री क्लासेस प्राप्त हो सके। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एमएस वर्ड एप्लीकेशन हमारे सामने प्रेजेंट है। इसमें आप देख रहे हैं इंसर्ट मेन्यू रिबन के अंतर्गत आपको पिक्चर्स मैंने बता दिया, ऑनलाइन पिक्चर्स बता दिया, इसको हम कैसे प्रेजेंट करते हैं और इससे आने वाले रिलेटेड जो फॉर्मेट्स हैं, कंप्लीट फॉर्मेटिंग टूल बार को हमने डीपली बताया हुआ है पिछली क्लास में। सो आप उसको जरूर देख ले। तो गाइस चलते हैं, शेप्स को हम देखते हैं। शेप्स पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी, जिसमें अलग अलग शेप्स को ब्लॉक्स के माध्यम से बताया गया है। आप देखेंगे रिसेंटली यूज शेप, जो रिसेंट्स में यूज किए गए शेप्स हैं, लाइंस हैं, रेक्टेंगल्स हैं, बेसिक शेप्स हैं, ब्लॉक एरोज। अगर किसी ब्लॉक वाइज आप डिफाइन करना चाहते हैं तो आप ब्लॉक एरोज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इक्वेशंस के शेप्स हैं, इसमें आपके फ्लो चार्ट के शेप्स हैं, स्टार एंड बैनर्स आपके अवेलेबल हैं, क्लाउड्स रिलेटेड हैं, और कुछ आप नए ड्राइंग कैनवास आप लाना चाहते हैं तो आप यहां से ला सकते हैं। तो हम कुछ शेप्स को यहां जनरेट करके देख लेते हैं। जैसे हम यहां से एक रेक्टेंगल लेना चाहते हैं, जैसे हमने एक रेक्टेंगल को क्रिएट किया, ये हमने ड्रैग किया, रेक्टेंगल आ गया। और जैसे ही मैंने रेक्टेंगल को क्रिएट किया गाइस, आप देख पा रहे हैं फॉर्मेट रिबन आपके सामने प्रेजेंट हो गया है, जिसको मैंने पिछली क्लास में बहुत ही डीपली बताया हुआ है। इसमें जो कुछ कंटेंट चेंज हो रहे हैं, क्योंकि एलुस्ट्रेशन पूरे टैब के अंतर्गत आने वाले जो भी कंटेंट हैं, हर एक कंटेंट के लिए फॉर्मेट टूल बार आता है और उसमें अलग अलग उससे रिलेटेड ऑप्शंस उसमें ऐड होकर के आ जाते हैं। तो गाइज आप देखें, शेप्स मैंने जनरेट किया। अगर हम और शेप लेना चाहते हैं तो हमें फिर से इंसर्ट मेन्यू में शेप में जाने की जरूरत नहीं है, हम यहीं से शेप को जनरेट कर लेते हैं। किसी भी शेप को हम लेना चाहते हैं, स्माइलीज वगैरह लेना चाहते हैं तो हम यहाँ से शेप को यहाँ हमने बना लिया। आप देख रहे हैं, अगर हम कोई और शेप जनरेट करना चाहते हैं, एक शेप और हम बना ले रहे हैं। इस तरह से हम कुछ जिन शेप्स की आवश्यकता हो या जिस टाइप का शेप हमें चाहिए, हम उस टाइप के कैटेगरी में जाएं और वहां से हम शेप को चुन लेते हैं। अब आप आगे देखेंगे, शेप में कोई भी एडिटिंग करनी है, जैसे हमारा शेप है इसमें देखिए, ये देखेंगे जो शेप सेलेक्ट है उसमें कुल 8 पॉइंट्स आपको ये दिख रहे हैं किनारे से, और एक एलो पॉइंट दिख रहा है। इस पॉइंट से हम उसमें एडिट का काम कर सकते हैं, बेसिक एडिटिंग हमें करना है तो इसके माध्यम से हम एडिटिंग कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं इस तरह से अपने शेप में हम परिवर्तन कर पा रहे हैं। और यदि हम यहाँ से चले जाएं और एडिट शेप के ऑप्शन से, जैसे चेंज शेप करना, हमें डायरेक्टली शेप को चेंज कर देना है, तो हम किसी भी शेप पर क्लिक कर देंगे और शेप डायरेक्टली चेंज हो जाएगा। अगर हम यहाँ से जाएं और एडिट पॉइंट्स के माध्यम से एडिटिंग करना चाहें तो आप देखेंगे शेप में पॉइंट जनरेट हो गया, इस पॉइंट के माध्यम से आप शेप को परिवर्तित कर पाएंगे। आप देख पा रहे हैं इस तरह से कोई भी आप डिजाइन क्रिएट करना चाहते हैं तो शेप्स के माध्यम से जो एडिट रैप पॉइंट आ जाता है, जैसे मैंने आपको टेक्स्ट रैप के अंतर्गत बताया हुआ था एडिट रैप पॉइंट, सेम उसी तरीके से हम अपने शेप में रैप पॉइंट की मदद से चेंजेस कर पाते हैं। आप देखें ये दोनों ऑप्शन आपने देख लिया। आप देखें अगला ऑप्शन है रूट कनेक्टर्स। अगर हम कनेक्टर्स ऐड कर रहे हैं कोई ब्लॉक का है या कोई भी हम स्मार्ट शेप जनरेट किए हुए हैं तो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आगे गाइस अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला है ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। अगर हमें टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ करना है, अगर हम बाहर टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो हम कहीं भी बाहर टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करके हम इसमें कुछ भी राइट कर सकते हैं। और अगर इस शेप के अंदर और हमें अगर शेप के अंदर ड्रॉ करना है तो यहाँ पर हम चाहेंगे जहां भी टेक्स्ट ड्रॉ करना हमें टेक्स्ट शेप ड्रॉ कर लेंगे। आप देख पा रहे हैं जैसे हमने टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ किया और टेक्स्ट का जो बैकग्राउंड एरिया है वो चेंज हो गया, मतलब व्हाइट हो गया। मीन्स
हमारे सेप का जो बैकग्राउंड है वो हट गया। सो हम चाहते हैं कि हम ऐसा कुछ करें कि टेक्स्ट इसमें लिखा जाए लेकिन बैकग्राउंड वही रहे जो हमारे सेप का बैकग्राउंड है। सो हम इसको यहाँ से डिलीट करते हैं और यहीं पर सेप में रहते हुए राइट क्लिक करें और यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक कर देंगे। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ टेक्स्ट आपका आ चुका है। इस तरह से हम इसमें टेक्स्ट लिखना चाहें बहुत ही आसानी के साथ हम टेक्स्ट को लिख सकते हैं। मीन्स जो टेक्स्ट बॉक्स का बिहेवियर है वो आपके शेप्स का बिहेवियर हो जाएगा। शेप्स आपका एज ए टेक्स्ट बॉक्स काम करने लगेगा और इसमें आप टेक्स्ट को लिख पाएंगे। ड्रॉ कर लें, चाहे शेप्स के अंदर भी आप देख पा रहे हैं यहाँ से भी हम टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम अगर हमें कुछ भी कंटेंट डालना है तो हम टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ करके लिख सकते हैं। और अगर किसी शेप के अंदर आपको शेप बैकग्राउंड के अंतर्गत लिखना हुआ है तो आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और यहीं से, चूंकि वो टेक्स्ट बॉक्स नहीं है वो ऐड टेक्स्ट करता है, इसके नाते से यहाँ पर डायरेक्टली टेक्स्ट आ जाएंगे और आपके जो शेप हैं उनके बैकग्राउंड में कोई चेंजेस नहीं होगा। सो इस तरह से आप ऐड टेक्स्ट कर सकते हैं अपने शेप के अंदर। और अगर आप टेक्स्ट बॉक्स ही लाना चाहते हैं सो फिर आप यहाँ जा करके फॉर्मेट रिबन में और यहाँ से डॉट टेक्स्ट बॉक्स या टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करके ला सकते हैं। अगर हम शेप का शेप स्टाइल जो है वो डायरेक्टली चेंज करना चाहते हैं, किसी भी शेप पर हम सिलेक्शन ले लेंगे या हम इस शेप को थोड़ा सा साइड कर लेंगे जिससे विजिबल हो सके जब हम चेंजेस करेंगे, तो ये शेप हम इधर, चूंकि इसमें हमने कंटेंट भी थोड़ा बहुत लिख लिया है सो हम इस पर जाएंगे। जैसे हमने कुछ लिख दिया, दिस इज अ रेक्टेंगल शेप, कुछ कंटेंट हमने ऐसे डाल दिया। अब हम देखते हैं यहाँ पर, यहाँ से डायरेक्ट हम शेप की स्टाइल को चेंज करते हैं। आप देखें यहाँ से हम शेप में जो भी स्टाइल देना चाहते हैं वो स्टाइल दे सकते हैं। शेप कलर चेंज हो जा रहा है, टेक्स्ट फॉर्मेट भी थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है, तो जो भी आप यहाँ से शेप का फॉर्मेटिंग देना चाहते हैं वो फॉर्मेटिंग आप डायरेक्टली चुन करके लगा सकते हैं। अगर इस शेप के कलर में हमें चेंजेस करना है, शेप फिल कलर हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, यहाँ से शेप का आउटलाइन चेंज करना है आउटलाइन कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। और आप देखें तो यहाँ से आउटलाइन का जो वेट है उसको हम थोड़ा सा वेट बढ़ा सकते हैं, हेल्दी कर लेंगे, स्ट्रांग हो जाएगा। यहाँ से शेप में हम इफेक्ट डालना चाहते हैं, कोई भी इफेक्ट हम यहाँ से प्रोवाइड कर सकते हैं और अपने शेप को हम अट्रैक्टिव बना सकते हैं जिस टाइप के फॉर्मेट में हमें शेप को चाहिए। सो इस तरीके से हम चेंजेस कर पाते हैं। आप देख रहे हैं जब एडिटिंग के लिए आता है तो इस तरह से दिखाई देता है और शेप में थोड़ा सा आउटलाइन भी हम प्रोवाइड कर देंगे, और जब हम बाहर क्लिक कर देते हैं तो ये अपने इफेक्ट में आ जाता है जो इफेक्ट हमने शेप इफेक्ट प्रोवाइड कर रखा है। सो इस तरह से हम शेप इफेक्ट भी दे सकते हैं और ये सारे ऑप्शंस आपको अभी मैंने पिछली क्लास में बताया हुआ है, तो एक एक करके आप चेक कर लें। टेक्स्ट में अगर हमें इफेक्ट प्रोवाइड करना है, हम टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से और यहाँ से डायरेक्टली टेक्स्ट के फॉर्मेट को हम बदल सकते हैं। आप देख पा रहे हैं टेक्स्ट फॉर्मेट चेंज होता जा रहा है, जो टेक्स्ट फॉर्मेट हम चाहते हैं उस टेक्स्ट फॉर्मेट में कर लेंगे। टेक्स्ट में अगर हमें कलर फिल करना है तो टेक्स्ट का कलर भी हम फिल कर सकते हैं जो भी कलर में हमें टेक्स्ट को चाहिए। आप देख रहे हैं आउटलाइन अलग कलर में है, आउटलाइन भी चेंज करना हमें तो आउटलाइन फॉर्मेट हम कुछ अलग दे सकते हैं जो हमें अच्छा लग रहा है, उस तरह का हम आउटलाइन यहाँ से चुन सकते हैं। आप देख रहे हैं अगर हम टेक्स्ट में डायरेक्ट इफेक्ट प्रोवाइड करना चाहते हैं जैसे शैडो इफेक्ट देना है, टेक्स्ट में शैडो इफेक्ट लग जाएगा, अलग अलग टाइप के पर्सपेक्टिव लगाना है तो जो भी आप इफेक्ट प्रोवाइड करेंगे वो इफेक्ट लग जाएगा। शैडो के अलावा भी बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, ग्लो इफेक्ट है, कोई भी इफेक्ट हम यहाँ से लगा सकते हैं। आप बाहर क्लिक कर देंगे आपका जो शेप और कंटेंट तरीके से दिखने लगेगा। अब आप देखें ये सारे ऑप्शन मैं बता चुका हूँ, अगर टेक्स्ट का डायरेक्शन हमें चेंज करना है तो यहाँ से डायरेक्टली हम टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हैं जिस भी एंगल में हमें इसको रोटेट करना है, नहीं तो फिर हम हॉरिजॉन्टल लिख करके छोड़ देते हैं। अगर टेक्स्ट के को हम टॉप मिडिल बॉटम यहाँ से इस तरह से अलाइन करना चाहते हैं जिसे वी अलाइन कहा जाता है, तो हम यहाँ से वर्टिकल अलाइनमेंट कर सकते हैं। मिडिल में हम कर लेते हैं जैसे था, यहाँ से कोई लिंक क्रिएट करना है तो हम किसी दूसरे शेप के साथ लिंक क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ लिखना स्टार्ट करते हैं, आगे हम यहाँ लिखते हैं, देख रहे हैं जैसे ही हमने इसमें कंटेंट को बढ़ाया और हमने लिंक यहाँ जनरेट कर लिया था तो इसका कंटेंट आगे का इसमें आपके दूसरे शेप में आ गया जिससे लिंक को क्रिएट किया गया था। इस तरह से हम लिंक को जनरेट कर सकते हैं। शेप्स को यदि डिलीट करना है तो होम में आप जाएंगे और
आप देखिए हम जाएंगे सेलेक्ट पर और यहाँ से सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स ऑप्शन को लेते हैं और इस तरह से हम एक साथ सबको सेलेक्ट कर लेते हैं और डिलीट कर देते हैं। ये काम हम शिफ्ट करके भी कर सकते थे। अब हम अगला ऑप्शन देखते हैं, इंसर्ट का अगला ऑप्शन है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट में आप जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास स्मार्ट ग्राफिक्स को चुनने का एक डायलॉग आ जाएगा। काल के अंतर्गत वो जितने भी यहाँ आपको अलग अलग फॉर्मेट दिए गए हैं स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स के, वो सब एक में मिक्स करके आते हैं यहाँ से। अगर हमें लिस्ट लेना है केवल, तो लिस्ट के हमारे पास बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, हम लिस्ट फॉर्मेट ले सकते हैं। यहाँ से हम लिस्ट फॉर्मेट ले सकते हैं, जैसे कोई भी फॉर्मेट हमने यहाँ से लिया और ओके कर लिया। और यहाँ पर हमें देना है, जैसे हम दे देते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर को हम यहाँ लिखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर लिख दिया यहाँ मैंने, यहाँ हमने लिख दिया एप्लीकेशन एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इस तरह से हमने यहाँ पर एक लिस्ट फॉर्मेट बना लिया। सो जो भी हमारा वर्क है, इस तरह से हमने लिस्ट देखिए बना लिया हमने। अब यहाँ से हम किसी को भी डिमोट प्रमोट करना चाहते हैं, जैसे इसे हमें डिमोट करना है, आप देख रहे हैं इसको हमने डिमोट कर दिया। मेन हमने सिस्टम ऑन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बना लिया और यूटिलिटी को हमने डिमोट कर दिया। अगर हम इसे प्रमोट करना चाहते हैं तो जस्ट इसे हम प्रमोट कर देंगे। तो इस तरह से एक एक करके हम इसको यूज कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हमें इसमें शेप्स को ऐड करना है, हम एक शेप और ऐड करना चाहते हैं, देख रहे हैं आप, अगर हमें इसमें लिखना है पैकेज सॉफ्टवेयर लिख दिया मैंने, जबकि पैकेज सॉफ्टवेयर जो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है और यूटिलिटी जो सिस्टम के अंतर्गत आता है। सो इसको हमने थोड़ा सा और डिस्क्राइब एज एग्जांपल हम बता रहे हैं। अगर हमें बुलेट्स भी क्रिएट करना है तो हम जैसे सिलेक्शन करके रखे हैं, यहाँ हमें ऐड बुलेट्स करना है, तो हम यहाँ पर बुलेट जहाँ भी हमें कंटेंट देना है वहाँ हम एंटर करते जाएंगे और बुलेट्स इसमें ऐड होकर, जैसे हमने लिख दिया सिस्टम सॉफ्टवेयर इज सोल ऑफ हार्डवेयर, एक फॉर्म मैंने एग्जाम्पल रख दिया। तो इस तरह से हम ऐड कर सकते हैं बुलेट्स भी, अगर हम एंटर करेंगे तो फिर एक बुलेट के साथ आएगा। मतलब हम एक एक जो भी हमने लिस्ट जनरेट की है सिस्टम एप्लीकेशन यूटिलिटीज पैकेज, इसके अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें कुछ भी विवरण देना है एज ए बुलेटेड लिस्ट में, सो हम उस तरह से भी लिस्टिंग कर सकते हैं, चूंकि हम लिस्ट बॉक्स यूज कर रहे हैं। सो इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। अगर हमें टेक्स्ट पैन लेना है तो इधर हमारा पैन शो करता रहता है और ये बताता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आपने कौन से कंटेंट डाले हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या कंटेंट डाला है, यूटिलिटीज में जिसमें हम जो कंटेंट ऐड कर रहे हैं वो यहाँ पर शो करता है। इस तरह से अगर हम इसको भी एक प्रमोट करना चाहते हैं तो ये भी प्रमोट होकर के एक बॉक्स बन जाएगा, इसे भी प्रमोट करना चाहते हैं तो ये प्रमोट होकर के एक बॉक्स बन जाएगा। इस तरह से हम बॉक्सेस क्रिएट कर सकते हैं। मूव अप मूव डाउन करना है, अगर इसे हमें मूव डाउन करना है तो यहाँ से मूव डाउन कर सकते हैं, मूव अप करना चाहे मूव अप कर लेते हैं। अगर लेआउट में कोई भी चेंजेस और आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ से लेआउट को परिवर्तित कर सकते हैं जिस भी फॉर्मेट में। अगर हम जो भी कंटेंट डाल रहे हैं, जो भी लिस्टिंग कर रहे हैं, उसका इमेज भी शो करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम अलग अलग तरीके से इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। यहाँ से अपने लेआउट का कलर वगैरह स्टाइल हम चेंज कर सकते हैं। ये सब बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, इसको डीपली आप देखेंगे, एक एक ऑप्शन को आप चेक करेंगे। सो यहाँ से हम कोई भी इफेक्ट प्रोवाइड कर सकते हैं और यहाँ से हम ग्राफिक्स को देखें रीसेट किया, जब हमने स्टाइल दे दिया और रीसेट किया फिर डिफॉल्ट फॉर्मेट में चला गया। सो इस तरह से हम इसका डिज़ाइन यूज करते हैं और फॉर्मेट्स में आपको टोटल ऑप्शन पीछे के ही मिल रहे हैं। सो इससे आपको यहाँ से आप इसको देख पाएंगे, जैसे यहाँ कुछ चेंजेस आपको दिख रहे हैं, जैसे हम इसका शेप भी डायरेक्ट चेंज करना चाहते हैं, कोई अलग शेप बनाना चाहते हैं, देखिए शेप चेंज हो जा रहा है, इसको हम थोड़ा सा डाउन में कर देते हैं जिसे कम्प्लीटली विजिबल हो आपको, ये आप देख पा रहे हैं। शेप को हम और किसी भी फॉर्मेट में डालना चाहते हैं, हम इस तरह से डालना चाहते हैं, हम उस तरह से डाल देंगे। जिस भी फॉर्मेट में हम शेप को डायरेक्ट चेंज करना चाहते हैं, शेप डायरेक्टली आपका चेंज हो जाएगा, जैसे भी आप चाह रहे हैं उस तरह से आपका शेप डायरेक्ट चेंज हो जाएगा। अगर हम शेप को थोड़ा सा लार्जर करना चाहते हैं, थोड़ा सा लार्जर हो जाएगा, यहाँ से स्मॉलर करना चाहेंगे तो स्मॉलर हो जाएगा। इस तरह से हम इसको यूज कर पाएंगे। शेप के अंदर जो कंटेंट है, कंटेंट और उसकी स्टाइल को हम परिवर्तित करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। सारे ऑप्शन मैंने पीछे बता रखा है। सो इस तरह से आप एक एक करके चेक कर लेंगे। बैक करते हैं, इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, इंसर्ट में ही आ जाते हैं और स्मार्ट आर्ट के हम किसी एक कोई किसी और ऑप्शन को भी हम एक बार देख लेते हैं।
जैसे प्रोसेस बार है, हमें कोई भी प्रोसेस स्टेप दिखाने हैं सो हम यहाँ से दिखा सकते हैं। अगर हमें कोई भी साइकिल दिखानी है जिसका जहाँ से इन्वेंशन हो रहा है, सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक दिखाना है या जाएंगे, तो फिर ऐसी में जैसे अभी मैंने सॉफ्टवेयर के बारे में बताया, सो इसी तरह से अगर हमें शो करना है पार्ट ऑफ कंप्यूटर को हम दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पर हम लिख देंगे पार्ट ऑफ कंप्यूटर। हमने डाल दिया पार्ट ऑफ कंप्यूटर। आप देख रहे हैं कंप्यूटर के दो पार्ट होते हैं, आपको मालूम हो, आप जान ही रहे होंगे अगर कंप्यूटर से आप जुड़े हुए हैं, कंप्यूटर कोर्सेज कर रहे हैं, कंप्यूटर के बारे में नॉलेज रख रहे हैं, तो आपको ये मालूम होगा कंप्यूटर के दो पार्ट होते हैं, एक को बोलते हैं हार्डवेयर और एक को बोलते हैं आप सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। और जो टाइप ऑफ हार्डवेयर आप देखें तो हार्डवेयर थ्री टाइप ऑफ हार्डवेयर, इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस, या इनपुट प्रोसेसर एंड आउटपुट आप कह सकते हैं। सो इसके अंदर हमें एक और चाहिए, तो हम डिजाइन पे चले जाएं और हमें एक शेप ऐड करना है। आप देख रहे हैं ये ऐड होकर के यहाँ आ गया, इसे हम डिमोट करेंगे। तो जब डिमोट करेंगे देखिए हार्डवेयर के अंदर आ गया है, और यहाँ पर हम लिखना चाहते हैं जैसे इनपुट डिवाइस हम कर दे रहे हैं, इनपुट डिवाइस, डिवाइस ही क्यों, क्योंकि ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर। कंप्यूटर में जितने भी पार्ट्स पेरिफेरल्स जो भी यूज होते हैं वो सब हार्डवेयर कहे जाते हैं, एंड ऑल प्रोग्राम्स ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। यहाँ हम लिखते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस हो गया, और ये आपका आउटपुट डिवाइस। तीन प्रकार के हार्डवेयर होते हैं, ऐसे ही सॉफ्टवेयर आपका, और सॉफ्टवेयर के अंडर में आपको ऐड सेव करना है, तो आप यहाँ से ऐड सेव कर सकते हैं। जैसे इस ऐड सेव किया, इसको आप डिमोट करेंगे, सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाएगा, फिर एक ऐड सेव आप कर लीजिए, और देख रहे हैं आप इस तरह से तीन इसमें भी आ गए। सॉफ्टवेयर के भी तीन प्रकार हैं, एक है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, अभी मैंने इसमें बताया आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकेंड है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, थर्ड है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो इस तरह से हायरार्की चार्ट के द्वारा हम किसी भी विवरण को व्यक्त कर सकते हैं। अभी हम इसमें नीचे और जा सकते हैं, इनपुट डिवाइसेस को हम थोड़ा सा डिस्क्राइब कर सकते हैं, प्रोसेसिंग को कर सकते हैं, आउटपुट डिवाइसेस को कर सकते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसके कुछ हम टाइप्स को यहाँ पर शो करा सकते हैं। सो इस तरह से आप आगे करके देख लेंगे, बिकॉज अगर हम बहुत डीप ले जाएंगे आपको तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी। यहाँ से डायरेक्टली हम इसके फॉर्मेट्स को बदल सकते हैं, जिस भी फॉर्मेट में, जो फॉर्मेट आपको अच्छा लग रहा है उस फॉर्मेट में आप इसको मैनेज कर सकते हैं। आप देख रहे हैं पार्ट ऑफ कंप्यूटर, जैसा भी वो आपको अच्छा लग रहा है वो लेआउट फॉर्मेट आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर हमने यही चार्ट रखा तो हम यहाँ से कलर फॉर्मेट बदलना चाहते हैं, जो भी कलर फॉर्मेट हमको अच्छा लग रहा है वो हम कलर फॉर्मेट यहाँ से ऐड कर लें। अगर इसमें हमें स्टाइल प्रोवाइड करना है, स्मार्ट आर्ट की स्टाइल देनी है, तो इस तरह से हम स्टाइल्स को जनरेट कर पाएंगे। और अगर हम स्टाइल दे दिए हैं तो यहाँ से हम जब रिसेट करेंगे तो सब डिफॉल्ट फॉर्मेट में चले जाएंगे, अभी मैं पीछे बता चुका हूँ। तो इस तरह से आप इंसर्ट के अंतर्गत स्मार्ट आर्ट को आप यूज़ कर लेंगे, कई तरीके से इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। हम इसको डिलीट करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है चार्ट। देखिए चार्ट जब हम प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम टेबल के अंतर्गत चार्ट नहीं, हम डायरेक्ट चार्ट को जनरेट कर रहे हैं, और चार्ट में बहुत टाइप्स हैं। जिस टाइप का आपका डेटा हो, जिस तरह की वैल्यू को आपको चार्ट के माध्यम से व्यक्त करना हो, दिखाना हो, शो करना हो, वो फॉर्मेट हम यहाँ से ले लेते हैं। जैसे हमने कॉलम ले लिया है, लाइंस दे सकते हैं, पाई, जैसे आपका डेटा होता है उस फॉर्मेट में आप लेते हैं। जैसे हमने यहाँ कॉलम चार्ट ले लिया और यहाँ से हमने ओके करा, जैसे ही हम ओके करेंगे आप देख पाएंगे कि जैसे हमने चार्ट को ओके किया, चार्ट का एक ऑटोमेटिकली एक फॉर्मेट बन करके आया, कंटेंट भी आ गया और आपका चार्ट भी शो कर गया। अब हमें क्या करना है, अपने अकॉर्डिंग एक डिफॉल्ट फॉर्मेट है एमएस वर्ड में, चार्ट अगर हम जनरेट करते हैं तो एक डिफॉल्ट वो वैल्यू प्रेजेंट करता है और उसमें आपके चार्ट को बना करके दे देता है, जबकि आगे एक्सेल में पढ़ेंगे तो खुद के डेटा पर हम उसको जनरेट करते हैं। और यहाँ पर अगर हमें करना चाहते हैं हम, तो हम यहाँ से डेटा में चेंजेस कर सकते हैं डायरेक्टली। हम यहाँ से डेटा को चेंज करें और अपने चार्ट का डेटा बना लें। अगर हम यहाँ से नहीं करना चाहते हैं,
सोर्सेज, तो हम डायरेक्ट यहाँ आपके पास देखें डिजाइन का मेन्यू है, यहाँ से भी कर सकते हैं, बट हम यहीं से डायरेक्टली कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ डाल दिया नेम, यहाँ हमने नेम लिख दिया, यहाँ हमने यहाँ लिख दिया हिंदी, जैसे हमको सब्जेक्ट्स के नेम लिख दे रहे हैं, हिंदी लिख दिया, यहाँ हमने इंग्लिश लिख दिया, इंग्लिश लिख दिया, यहाँ हमने मैथ डाल दिया, मैथ कर दिया। अब अगर हम कंप्यूटर भी करना चाहते हैं, इस तरह से हम एक और भी ऐड भी कर सकते हैं, कोई नहीं आ रहा, हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हम नेम डाल देते हैं, जैसे मान लेते हैं रमेश है, रमेश है, इस तरह से हमने दे दिया। यहाँ पर हम हिंदी के मार्क्स को प्रोवाइड कर देंगे, ऐसे मार्क्स जनरेट करते जाएंगे। जैसे हम मार्क्स डालते जाएंगे, ऑटोमेटिक आप देखेंगे जो बार एक्सिस बार है वो आपका ऐड होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। यहाँ पर हम कोई भी मार्किंग कर देते हैं, मार्किंग ऐड करते रहेंगे और ये आ गया। अगर हम यहाँ पर टोटल भी डाल देते हैं, ऐसे एग्जांपल के तौर पर हम इसको यूज़ कर रहे हैं, यहाँ आप देखेंगे टोटल के लिए हम यहाँ अल्ट इक्वल करते हैं, फॉर्मूला है अल्ट के साथ इक्वल, हमारा टोटल भी आ गया। सो एक एक बच्चे का हमें मान ले रहे हैं, बच्चे का एक एक का टोटल यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट हो गया है। और अब हम चाहें तो इस डेटा को यहाँ से हटा भी सकते हैं, हटा दिया। आप देख पा रहे हैं चार्ट में टोटल डिटेल्स, आपका रमेश का टोटल डिटेल जो चारों सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, और यहाँ मुकेश का, राजीव का, सोनम का, सब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर इसको हम जैसे इसमें लीजेंड्स हैं यहाँ पर शो कर रहा है, ये आपका जो है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस यहाँ पर शो कर रहा है। चार्ट के एलिमेंट्स को हम यहाँ से अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करना चाहते हैं, ये काफ़ी चेंजेस हम इसमें डाल सकते हैं। जैसे एक्सिस का हमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों साइड में उसको हम हटाना चाहते हैं, यहाँ पर प्राइमरी एक्सिस आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में एक्सिस देख रहे हैं आप, ये आप देख पा रहे हैं। टाइटल जैसे हम लगा, जैसे हॉरिजॉन्टल टाइटल लगाया, देखिए एक्सिस टाइटल यहाँ पर आ गया। सो एक एक करके हम यहाँ से चेंजेस कर पाएंगे। चार्ट का टाइटल हम चाहें तो हट जाएगा, यहाँ से रखेंगे। इसके बाद डेटा लेबल्स भी हम चाहते हैं, सब पर सबका नंबर शो करके आने लगेगा, इनसाइड में आउटसाइड जैसे भी आप चाहते हैं। यहाँ से डेटा का टेबल लेना चाहते हैं, आप देखेंगे कि चार्ट के साथ उसका वैल्यू टेबल भी आ गया, बट हम यहाँ से यूज़ नहीं करते हैं। एरर बार्स वगैरह यहाँ पर शो कर रहा है, जहाँ पर जिसका नंबर मार्जिन शो कर रहा है, जहाँ पर जितना नंबर का जो एक क्राइटेरिया है वो एरर मार्जिन शो कर रहा है। यहाँ से अलग अलग तरीके से लीजेंड्स की पोजीशनिंग हम करना चाहते हैं तो हम लीजेंड्स की पोजीशनिंग कर देंगे। यहाँ से आप देखेंगे क्विक लेआउट, अगर हम लेआउट को डायरेक्टली चेंज करना चाहते हैं तो किसी भी फॉर्मेट को हम यहाँ से लगा सकते हैं जो हम मैनुअल कर रहे थे। यहाँ से चार्ट की अलग अलग फॉर्मेटिंग है, कोई भी फॉर्मेटिंग का चार्ट आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए फुली फॉर्मेट चार्ट है, यहाँ कलरफुल चार्ट है, इसमें बैकग्राउंड वगैरह सब लगा हुआ है। यहाँ और भी स्टाइल्स हैं, कोई भी स्टाइल आप प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से डेटा को सेलेक्ट डेटा करना चाहते हैं, डेटा आपका सेलेक्ट होकर के आ जाएगा, और डेटा को स्विच करना चाहते हैं, जो कि यहाँ पर भी ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ये डेटा का स्विचिंग का यहाँ लिखा है स्विच रो एंड कॉलम, वही काम यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं। रो का फॉर्मेट कॉलम में, कॉलम का फॉर्मेट रो में हम चेंज कर सकते हैं, तो ये चीज़ हम यहाँ से भी कर सकते हैं। एडिट डेटा में हम कोई भी एडिटिंग करना चाहते हैं, यहाँ से डेटा की एडिटिंग हम प्रोवाइड कर सकते हैं। चार्ट का जो प्रकार है, चार्ट को हम स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं तो डायरेक्टली चार्ट को चेंज कर सकते हैं। किसी भी अदर फॉर्मेट में हम इसको यूज़ करना चाहते हैं, पाई फॉर्मेट में, या जिस भी फॉर्मेट में आप यूज़ करना चाहते हैं, पाई फॉर्मेट में एक एक व्यक्ति का डेटा हम देख पाएंगे। यहाँ से रिफ्रेश डेटा, अगर हम ऑनलाइन डेटा यूज़ कर रहे हैं या कोई भी है तो हम रिफ्रेश कर सकते हैं डेटा को, ऑनलाइन फॉर्मेट में ही यूज़ कर रहे होंगे तो। फॉर्मेट सबके लिए उसी तरीके से है, चार्ट का एक एक एरिया आपको फॉर्मेट करना है तो कोई भी एरिया आप यहाँ से फॉर्मेट करना चाहते हैं, जैसे चार्ट एरिया है, चार्ट एरिया फॉर्मेट करना चाहते हैं, फॉर्मेट सेक्शन पर चले जाएंगे, यहाँ फिल पर चले जाएंगे, और चाहे ग्रेडियंट फिल करना हो, पिक्चर फिल करना हो, टेक्स्ट फॉर्मेट फिल करना हो, जिस तरह से आप फिल करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो एक एक करके आप इसको चेक कर लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है, बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। फिर हम देख लेते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, इंसर्ट का अगला ऑप्शन है स्क्रीनशॉट। अगर हम किसी भी एरिया का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट पर जाएंगे और स्क्रीन क्लिपिंग पर जाएंगे और डायरेक्टली वो क्लिप आपका ये शो करेगा और यहाँ से हम उसका स्क्रीनशॉट, जैसे हम इस एरिया का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ये स्क्रीनशॉट हम आसानी से क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे डायरेक्ट जो हमने स्क्रीनशॉट बनाया है, जो एरिया हमारा था उसका जस्ट स्क्रीनशॉट हमने
यहाँ ले लिया। जितना भी एरिया आप देना चाहते हैं, जो क्राइटेरिया आप प्रेजेंट करते हैं, वो स्क्रीन क्लिप आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट पर आप जाएंगे तो क्लिप आपको मिल जाता है डायरेक्टली, जैसे हमारा एक स्क्रीनशॉट यहाँ बन के रखा हुआ था। यहाँ पर जाएंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे डायरेक्ट स्क्रीनशॉट आपके सामने इस तरह से आ जाएगा। सो नॉर्मली आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे स्क्रीनशॉट लेने का शॉर्टकट होता है आपका विंडो की शिफ्ट की के साथ एस को प्रेस करेंगे तो हम स्क्रीनशॉट विंडो शिफ्ट और एस के साथ भी स्क्रीनशॉट हम ले सकते हैं। आप देख पा रहे हैं स्क्रीनशॉट आ गया, विंडो शिफ्ट और एस प्रेस किया हमने, यहाँ से इस तरह से हमने सेलेक्ट किया, इसका स्क्रीनशॉट डायरेक्टली हम ले लेंगे। ये आपकी स्क्रीनशॉट आ गया। आप चाहें तो इसको इस पर डबल क्लिक करके भी ला सकते हैं, कॉपी पेस्ट करके भी ला सकते हैं, स्क्रीनशॉट आ गया। इस तरह से हम स्क्रीनशॉट को जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर पेस्ट क्लिक कर देंगे और आपने जो स्क्रीनशॉट लिया वो आपका देखिए स्क्रीनशॉट यहाँ पर आ गया। जबकि यहाँ से जो इंसर्ट से हम स्क्रीनशॉट लेते हैं वो हमें पेस्ट नहीं करना पड़ता है। जैसे स्क्रीनशॉट कंप्लीट हो जाए आपके फाइल में, वो स्क्रीनशॉट ऑटोमेटिकली आ जाता है। सो इस तरह से हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला ऑप्शन आप देख पा रहे हैं एडिंस। यदि हम इंटरनेट के माध्यम से कुछ भी इंसर्ट करके लाना चाहते हैं, स्टोर वगैरह पर डायरेक्ट जाना चाहते हैं, ऑनलाइन वीडियोस वगैरह लाना चाहते हैं, तो हम यहां से डायरेक्टली विकिपीडिया या जो भी प्रेजेंट करना चाहते हैं, अगर नेट कनेक्शन है आपके पास और आप यहां से इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, तो आप ऑनलाइन अगर वर्क कर रहे हैं तो इसको आप आसानी के साथ प्रेजेंट कर पाएंगे। तो इस तरह से आपने देखा इलस्ट्रेशन के सारे ऑप्शंस को मैंने आपको डीपली बताया। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन रहती है तो आप वीडियो को रिपीट करके देख लेंगे, कहीं कोई क्वेरीज होती है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना। यदि वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप इसे लाइक जरूर, फ्रेंड्स के पास अपने इसे जरूर शेयर करें, जिससे उन्हें भी ये फ्री क्लासेस मिल पाए। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए, ऐसी इंपॉर्टेंट क्लासेस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।